अब आपको लेकर चलते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर। भाई यहाँ पर टीवी के और बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे नजर आए, सब लोग छा रहे थे एकदम मतलब ग्लैमरस लुक में। और किस किस को अवार्ड मिला, स्पेशली टीवी स्टार्स पर हमारा फोकस हमेशा रहता है, तो एक काम करते हैं आपको इनका लुक दिखाते हैं और बताते हैं किस किस को अवार्ड्स मिले। मुबारकबाद दीजिए टीवी के इस अवेसम थ्रीसम का, थ्री चीयर्स से वेलकम कीजिए। क्योंकि दिव्यांका त्रिपाठी, श्रुति झा और धीरज धूपर ने छोटे पर्दे का नाम दादा साहब फाल्के अवार्ड में रोशन जो किया। अवार्ड की ये शाम टैलेंट के साथ साथ स्वैग से भरे सितारों के नाम थी। बिग बॉस फिनाले के बाद पहले रेड कार्पेट में नजर आ रही रश्मि और माहिरा अपने ग्लिटरिंग आउटफिट से शाइन कर रही थीं। तो दिव्यांक और श्रुति की साड़ी और धीरज का स्वैग धूम मचा रहा था। ग्रीन ग्लिटरिंग साड़ी में प्रिटी लग रही दिव्यांका को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इतनी खूबसूरती से उन्होंने मुझे ड्रेसअप किया है। आई एम फीलिंग सो प्रिविलेज, सो ऑनर्ड कि मुझे इस अवार्ड शो में आज अवार्ड मिल रहा है। आई थिंक हर एक्टर के लिए ये मोस्ट अवेटेड अवार्ड होता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इट्स अ प्रेस्टीजियस मोमेंट फॉर मी, आई एम हम्बल। ये है मोहब्बते की विदाई के काफी दिनों बाद दिव्यांका फैन से रूबरू हुई। फिलहाल वो और विवेक अपना आशियाना बनाने और सजाने में बिजी है, जिसमें उन्हें एक पोर्शन तो सिर्फ अवार्ड्स रखने के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने काम पे फॉर्मा लगाया है और हम दोनों हमारा घर बना रहे हैं, हम दोनों मिलके डिसीजंस ले रहे हैं सारे, एंड ही इज इक्वली इन्वॉल्वड। एक ऐसा पोर्शन बनाया है डेजिग्नेटेड जहाँ पे सिर्फ अवार्ड्स होंगे, ये सबसे बीच का स्थान लेने वाला है मेरे उस ट्रॉफी वॉल पे, दादा साहब फाल्के जी के नाम का अवार्ड। माई गॉड, इमेजिन। अवार्ड जीतने की खुशी को कुमकुम और कुंडली की टीम ने सास बहू और सस्पेंस से शेयर किया। श्रुति और शब्बीर को बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला तो धीरज ले गए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। दोनों शो के राइटर की झोली भी अवार्ड से भर गई। Always humbled and honored, very very happy. She was getting a lot of awards for Kumkum. I thought let me just follow her in this as well. She's a great actor, so I just thought थोड़ा बहुत मेरे पर भी बरस जाए तो। थोड़ा सा गुड लक रब होना चाहिए हम पे भी। Totally honored and I feel blessed, you know, that I'm receiving this award tonight. And I just want to say thanks to all my fans, yaar. I love you from the bottom of my heart. Please, please, please supporting me like this. I love you all. Thank you. श्रुति ने शब्बीर की कमी फील की, वहीं धीरज अपने बेटर हाफ विनी के साथ पहुंचे थे। तीनों का लुक कमाल लग रहा था। हम भाग्यशाली लोग हैं ना, कोइंसिडेंस हो जाता है हमारा। यार और परिवार एक है, लेकिन वो है ना कि सासू माँ तो मेरी भी एक ही है। तो यू नो आई थॉट कि मैं अपने सिस्टर इन लॉ के साथ आऊँ अभी फॉर अ चेंज। ये मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है, मैं टेक्निकली मैं कौन सी साड़ी मैं नहीं बता सकती, मुझे पता नहीं है साड़ी। आई एम देखो ये इतना वेस्टर्न ड्रेस, इट्स अ स्वीट, सब कहते हैं इन्होंने ही चूज किया होगा, सो आई विल टेक द क्रेडिट, बट आई ऑलवेज टेक द एडवाइस यार, मींस व्हाट इज लुकिंग गुड ऑन मी और नॉट, मैं जो फाइनल अप्रूवल्स होते हैं वो इन्हीं की तरफ से होते हैं। बिग बॉस का कॉमन कनेक्शन रश्मि और माहिरा शर्मा के सामने कुछ कॉमन सवाल भी ले आया। इनसे हमने पारस और शहनाज के नए शो मुझसे शादी करोगे के बारे में बात की। मैं बाहर से मदद करूंगी उसे, एंड माय बेस्ट विशेस आर विद हिम, एंड मैं घर में एक बार जा चुकी हूँ। उनको अब टिप्स तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वो लोग अंदर चले गए और मेरी टिप्स क्या ही उनके लिए, मुझे ऐसा लगता है वो टिप्स देने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। सवालों के जवाब देने के साथ अपने ड्रेस को लेकर ट्रोल होने वाली माहिरा ने ये भी बताया कि उनकी ड्रेस किसी से सिमिलर नहीं है।
दिव्य दृष्टि की नायरा और संजीता शेख का अटायर भी काफी स्टाइलिश था। मेरी स्टाइलिस्ट को मैंने एक ही चीज कही थी, जो भी हो ड्रेस सिमिलर नहीं होनी चाहिए किसी से भी, तो जो भी ड्रेस लेकर आओ। इट्स एन इंडो वेस्टर्न ड्रेस, सो आई डिडंट वांट टू वेयर एक्सेसरीज, मुझे इयररिंग वरिंग ज्यादा पहनना अच्छा नहीं लगता, सो आई जस्ट टोल्ड माय स्टाइलिस्ट दैट गिव मी समथिंग व्हिच इज यूनिक एंड आई एम ग्लैड यू नोटिस दैट। सीक्विन ये मैंने चूज किया, आई जस्ट थॉट आई पिक्ड अप माय ओन एक्सेसरीज, आई ड्रेस्ड अप बाय माय सेल्फ। सो स्टाइल के मामले में ही नहीं, स्टार्स अवार्ड्स जीतने में भी पीछे नहीं रहते। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शाम इसी की बानगी थी। मुंबई से पारस कोठारी की रिपोर्ट।